हेलो गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो कि है हमारा सेट, इसी को करने वाले हैं कवर। यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। जो सेट जो है ये गाइस बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक टॉपिक भी है ये हमारा, है ना, ये बेसिक टॉपिक भी है। तो आज हमारा जो इस वीडियो में जो हमें सीखना है वो यही है, सेट को सीखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग सेट को सीखना शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पे सेट का डेफिनेशन लिखा हुआ है मैंने आपके लिए। क्या डेफिनेशन है सेट का? तो डेफिनेशन जो है वो है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? सेट जो है गाइस, ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि इसका जो डेफिनेशन होता है ना, जो भी डेफिनेशन होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ पर्सन टू पर्सन वेरी ना करना? मतलब बदले ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक डेफिनेशन, देखो, कलेक्शन लिख रखा है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर टिल 100। 100 तक के जो होल नंबर होते हैं उनका कलेक्शन। तो 100 तक जो होल नंबर है वो तुम्हें पता है ना, 100 तक होल नंबर क्या होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन करके कहाँ तक जाएगा? ये 100 तक। अब ये जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसे है वेल डिफाइंड कलेक्शन? तो देखो, ये जो डेफिनेशन मैंने लिया है कलेक्शन ऑफ होल नंबर टिल 100, ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, मेरे अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, मैंने जो लिखा है ये कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 100 तक है। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग भी 1 से लेकर के 100 तक होगा। किसी और के अकॉर्डिंग क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग भी 1 से लेकर के 100 तक होगा। यानी कि पर्सन टू पर्सन ये डेफिनेशन वेरी नहीं कर रहा है, नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसमें जो है, जो भी तुम लिखोगे, ये जो एंटिटी लिखोगे, जो एलिमेंट लिखोगे, वो वेल डिफाइंड होगा, सेम ही आएगा। मेरे अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग, किसी और के अकॉर्डिंग, जो मैंने लिखा है वही आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। और इनको क्या कहेंगे हम? एलिमेंट कहेंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, एक और कलेक्शन लिख लो, है ना, एक और कलेक्शन लिख लो। ले सपोज मैं कहता हूँ, ये पहला हो गया हमारा। ले सपोज मैं कहता हूँ कि भाई कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, या फिर कलेक्शन ऑफ, मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो 2 से जो बड़ा इवन नंबर है उनका कलेक्शन। सो 2 से बड़ा इवन नंबर का कलेक्शन क्या हो जाएगा? तो तुम्हें पता है कि 2 से जो बड़ा इवन नंबर है उनका कलेक्शन हो जाएगा हमारा 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इसमें कोई एंडिंग नहीं दिया कि कहाँ पे जाके टर्मिनेट होना है, कहाँ पे जाके ख़त्म होना है। देख रहे हो ना, ग्रेटर देन 2, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने लिखा तो ये आया, तुम लिखोगे तो भी यही आएगा, कोई और लिखेगा तो भी यही आएगा। यानी कि डेफिनेशन नहीं बदलेगा, किसी के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन नहीं बदलना है, यही रहना है। ठीक है, एक और कलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टिल 20। तो सिंपल है, 20 तक के नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करके 20 तक। ठीक है, ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर का कलेक्शन, और ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है। इट मींस ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ये जो कलेक्शन हमने लिया है ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है, सो कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक, और भी कलेक्शन लिख लेंगे हम, और भी लिख लेते हैं। ले सपोज कि मैं लिखता हूँ, दूसरा वाला लिख लेता हूँ। ले सपोज मैंने कहा कि भैया कलेक्शन ऑफ मंथ्स नेम, ठीक है, मंथ्स नेम, है ना, स्टार्टिंग विद द लेटर जे, लेटर जे। सो लेटर जे से जो मंथ्स नेम स्टार्ट होते हैं ना, उनका कलेक्शन लिख लो यार, है ना, उनका कलेक्शन लिख लो। तो जे से जो मंथ्स नेम स्टार्ट होते, बताओ क्या है वो? जे से जो स्टार्ट होता है क्या है?
जनवरी है ना, जनवरी है, और क्या है, जून है, और क्या है, जुलाई है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने जो ये कलेक्शन लिखा है, मैंने जो ये कलेक्शन लिखा है तो ये आया है ना, ये सारे हमारे कलेक्शन आ गए। तुम लिखोगे कुछ और आएगा क्या? तुम्हारे अकॉर्डिंग भी भाई यही आना है ना, कोई और के अकॉर्डिंग, किसी और के अकॉर्डिंग भी यही आना है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये जो कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अब हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई, एक एग्जांपल लेता हूँ जो कि वेल डिफाइंड है। मैं कहता हूँ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, गुड मैथ्स बुक, गुड मैथमेटिक्स बुक, जो गुड मैथमेटिक्स बुक है ना, या फिर बुक्स है, जो भी गुड मैथमेटिक्स बुक्स है उसका कलेक्शन लेने के लिए मैं कहता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो गुड मैथमेटिक्स बुक का कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। अब किसी के अकॉर्डिंग जो अच्छे किताब है मैथ्स का वो कुछ और होगा, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ और होगा। तो ये क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन भैया फिक्स रहा ही नहीं, वेरी कर गया, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, ठीक है। ये जो कलेक्शन है ये हमारा कलेक्शन सेट नहीं है। एक और ले लेते हैं, ले सपोज कि मैं दूसरा लेता हूँ, मैं कहता हूँ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉन्ग्स, बेस्ट हिंदी सॉन्ग्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग का कलेक्शन। अब हिंदी सॉन्ग के कलेक्शन में यार बहुत सारे होंगे, और सबके अकॉर्डिंग बेस्ट जो है ये वैरी करेगा। अच्छे अच्छे जो गाने हैं बेस्ट सॉन्ग जो है वो वैरी करेगा। तो ये जो कलेक्शन होगा दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सेट, ये कलेक्शन सेट नहीं होगा, समझे बात। तो दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो सेट भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सेट समझ में आया। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है, तो सेट को हम ABCD के कैपिटल लेटर से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। और उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं कॉमा लगा करके, ठीक है। तो जैसे कि क्या है, मान लो एक जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने जो लिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दो सीधे, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो एलिमेंट आते हैं उसको रख देते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, टिल 20 तक, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम सेट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। मैं कहता हूँ भैया कि होल नंबर के सेट को लिख कर दिखाओ, तो ये क्या होगा, W से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और हो क्या जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करके आएगा, और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये क्या हो गया, होल नंबर का सेट हो गया। कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, कोई हमें मतलब नहीं है, ये सो ऑन है, मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और कोई दूसरा सेट है तो हम उसको, हम ले सपोज मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ले सपोज इवन नंबर का सेट है, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, इवन नंबर के कहाँ तक, 20 तक, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के सेट को N से, होल नंबर के सेट को W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। जैसे कि इंटीजर के सेट को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता क्या है, तो इंटीजर पता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और इधर क्या, -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और एलिमेंट कैसे लिखे हैं, ये सब के सब एलिमेंट है, पता है ना, ये सब एलिमेंट है, ठीक है, ये सब तुम्हारे एलिमेंट हो जाएंगे।
क्लियर है बात। तो इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से सेट को दिखा सकते हैं। ठीक, अब क्या है, सेट को हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब हम सीखते हैं, देखो सेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कितने तरह से? दो तरह से हम सेट को लिख सकते हैं। एक जो है हमारा, एक जो है वो है हमारा रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर, रोस्टर या फिर रोस्टर या फिर हम इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और दूसरा क्या होता है? पहला है ये हमारा, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इन दो तरह से हम सेट को लिख सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये समझ में आया। लिखने के तरीका हमारे पास दो है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म देखो, ये जो तुमने लिखा है ना, ये जो मैंने लिखा है या तुमने लिखा है या हमने लिखा है, ये जो है ये हम रोस्टर फॉर्म में कहेंगे। रोस्टर फॉर्म में करते क्या है, तो बेसिकली जो सेट होता है उसके सारे एलिमेंट को लिख करके दिखाते हैं। तो इसमें सेट के सभी एलिमेंट को लिख कर दिखाया है हमने, इसमें भी सारे एलिमेंट को लिख कर दिखाया है, इसमें भी सारे एलिमेंट को। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सभी रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है बात? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में सेट को लिख सकते हैं। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म समझ में आया, ये पूरा का पूरा हमने जो लिखा है रोस्टर फॉर्म ही है। टेबुलर, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम करते क्या है, तो सेट का डेफिनेशन लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं, देखो लिख कर दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। लेट्स सपोज कि एक सेट है ए, ए को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स, हम जो एलिमेंट होता है ना उसके डेफिनेशन को लिखते हैं। तो एलिमेंट मान लिया कि एक्स है, और ये एक्स सच दैट पढ़ते हैं इसको, सच दैट एक्स कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है कि एक्स बिलोंग्स टू, मैंने बोल दिया भाई नेचुरल नंबर। ठीक है, मैंने बोला स्मॉल एन, ले सपोज स्मॉल एन। ठीक है, और ये जो स्मॉल एन है, ये जो स्मॉल एन है, ये कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन इक्वल टू टेन, यहाँ तक है। और ये जो n है, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब ये जो है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। कैसे है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। देखो यहाँ पे जो x का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, x का प्रॉपर्टी है कि x जो है वो नेचुरल n से बिलोंग कर रहा है, और n कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन, वन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन और लेस देन और इक्वल टू टेन है। और ये n किस में आएगा? नेचुरल नंबर में। अगर तुम n इतना लिख कर छोड़ देते हो तो देखो 1 और 10 के बीच में भैया बहुत सारे नंबर होते हैं, रियल नंबर के बारे में बात करें तो। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि ये जो n है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 10 तक में कितना होगा? 10 ही होगा। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन है, और ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। इससे तुम सेट को बना सकते हो, इसीलिए इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इस डेफिनेशन को फॉलो करोगे तो इसको टेबुलर फॉर्म में आराम से लिख दोगे तुम, है ना। एक और लिख के बता दूं मैं तुम्हें? ठीक है, एक और लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज कि बी लिख लिया मैंने, और इसमें कहा कि लेट्स सपोज कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू टू एन, है ना। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? टू एन से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर जो एन है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन कहाँ पर बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में। अब इसको देखो, इसमें भी ये सेट बिल्डर फॉर्म में मालूम है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट आने हैं x, उसका डेफिनेशन क्या है कि वो 2n से बिलोंग करेगा, जहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो देखो जैसे जैसे तुम n को बदलोगे, इसमें क्या होगा, ये x भी बदलता जाएगा, है ना। इसमें एलिमेंट भी अलग अलग आएंगे। n अगर 1 रखोगे तो इसमें जो एलिमेंट आ जाएगा पहला, वो 2 आ जाएगा। अगर n 2 रखोगे तो पहला 2 आ गया, दूसरा 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे सो ऑन करके चलता जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सेट समझ में आया होगा, सेट को लिखना समझ में आया होगा, सेट होता क्या है ये समझ में आया होगा। अगर इतनी बातें समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।